हेलो दोस्तों, मैं डैनी सफ़र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोनावड़ा के बारे में। लोनावड़ा महाराष्ट्र स्थित में मुंबई और पुणे के बीच में स्थित एक सुप्रसिद्ध हिल स्टेशन है। लोनावड़ा भारत भर में यहां की मिठाई चक्की के लिए सुप्रसिद्ध है। ये जगह गुफाओं के शहर इस नाम से भी जानी जाती है। लोनावड़ा में ज़्यादातर लोग बारिश या सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इस जगह पर बारिश और सर्दियों के मौसम में चारों ओर हरियाली और झरनों में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से ये जगह बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोनावड़ा के 10 खूबसूरत जगहों के बारे में जहां पर आप घूमने जा सकते हो। जिसमें नंबर 10 पर जो खूबसूरत जगह और सबसे नज़दीक है वो है बुशी डैम। दोस्तों, बुशी डैम लोनावड़ा में स्थित एक सुप्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। इस जगह पर पर्यटक सबसे ज़्यादा आना पसंद करते हैं, क्योंकि इस डैम के बाजू में एक सीढ़ियाँ बनाई गई है जिसके ऊपर डैम का पानी गिरता है, जो बहुत ही आकर्षित करता है पर्यटकों को। इस जगह पर जाने के बाद आपको पर्यटक इस सीढ़ियों पर पानी में बैठकर इस जगह का आनंद लेते हुए नजर आएंगे, जो बहुत ही आनंददायी रहता है। पवना लेक। हमारे पर्यटक अगर अपने मौसम को और भी खूबसूरत और रोमांटिक बनाना चाहते हैं तो आप लोनावड़ा में पवना झील पर ज़रूर जाएं। यह झील लोहगढ़ किले से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस झील के चारों ओर बेहद ही खूबसूरत वातावरण फैला हुआ है। यह जगह कैंपिंग करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कैंपिंग लवर इस जगह पर अपनी कैंपिंग और नाइट से जरूर कर सकते हैं। नंबर 8, टाइगर पॉइंट। यह जगह बुशी डैम से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर स्थित है, जो अम्बी घाटी के बीच में पड़ती है। यह जगह लोनावड़ा के सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगहों में से एक है। इस जगह से आप पहाड़ी वादियों का और झरनों को नीचे गिरते हुए देखने का आनंद ले सकते हो, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर ज़्यादातर पर्यटक इस जगह पर सनसेट को देखने का मजा लेने के लिए आ जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर क्रिएट करता है। नंबर 7, लोहगढ़ फोर्ट। ये किला लोनावड़ा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर ज़्यादातर पर्यटक ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये जगह ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किला 18वीं शताब्दी का किला है, जो बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक है। इस किले से पहाड़ों की सुंदरता, झरने तथा वादियों का आप आनंद ले सकते हो। नंबर 6, राजमाची पॉइंट। राजमाची पॉइंट लोनावड़ा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर खंडाला में स्थित है। राजमाची पॉइंट असल में यह एक ऐतिहासिक और खूबसूरत किला है। पर्यटक यहाँ पर इस किले के आसपास की घाटी और झरनों के सुंदर दृश्य को देखने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दर्शनीय मंदिर और बच्चों के लिए सुंदर पार्क भी है। कई बार इस जगह पर फिल्म डायरेक्टर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी यहाँ पर आ जाते हैं। नंबर 5, कारला केव्स। कारला केव्स एक ऐतिहासिक गुफा है, जो लोनावड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह खंडाला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये गुफा अजंता एलोरा के गुफाओं की तरह पत्थरों को काट कर बनाई गई है। इस गुफा के अंदर स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अलग अलग लेख लिखे गए हैं और बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इस गुफा को अच्छी तरह से घूमने के लिए लगभग 2-3 घंटे का समय लग जाता है। ये गुफा पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। नारायण धाम टेम्पल। श्री नारायण धाम मंदिर लोनावड़ा से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लोनावड़ा जाने वाले पर्यटकों को इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इस मंदिर में आप अगर शाम के वक्त जाते हो तो इस मंदिर की सजावट देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इस मंदिर की क्षमता एक साथ 10,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं की है। आप अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो यहाँ पर रह भी सकते हो, जिसके लिए आपको एडवांस में रूम बुक करनी पड़ती है। नंबर 3, भजा केव्स। भजा केव्स एक ऐतिहासिक और खूबसूरत गुफा है, जो लोनावड़ा से 12 किलोमीटर दूरी पर है, जो भजा गाँव से 400 फीट ऊपर स्थित की गई है। भजा केव्स 22 गुफाओं का एक समूह है। यह गुफा 2री शताब्दी में पत्थरों को काट कर बनाई गई है। इस गुफा के अंदर सूर्य नारायण तथा इंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित है। इस जगह बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक है। आप लोनावड़ा में जाने के बाद यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। नंबर 2, कुने फॉल। कुने फॉल पर्यटकों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगहों में से एक है, जो कुने नामक गाँव के पास स्थित एक आकर्षित झरना है, जो लोनावड़ा से 4 किलोमीटर दूरी पर है। यह प्रसिद्ध झरना लोनावड़ा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक जगह है। कुने फॉल्स 200 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है, जो पर्यटकों को दिलचस्प नज़ारा प्रस्तुत करता है।
यहाँ पर आने वाले पर्यटक झरने में स्नान और तैराकी जैसे गतिविधियों का आनंद उठाते हुए आपको नजर आएंगे। नंबर एक, एकवीरा देवी टेम्पल। लोनावला का प्रसिद्ध एकवीरा देवी मंदिर कारला गुफा के पास है। एकवीरा देवी मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि विशेष रूप से कोली लोगों के रूप पहचाने जाने वाले मछुआरों द्वारा प्रतिष्ठित है। एकवीरा देवी मंदिर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने के लिए 200 से भी ज़्यादा सीढ़ियों को चढ़कर वहाँ पर जाना पड़ता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी।